हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभोर त्यागी। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट ईजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम बात करने वाले हैं T2 स्पेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। T2 स्पेस ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ स्पेस। So what is a T2 space? A topological space XT is said to be a T2 space if and only if for every distinct pair of elements in X। अगर हम X में कोई भी एक पेयर लें, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अगर हम लें, से X एंड Y, देयर एग्जिस्ट नेबरहुड्स। मान लेते हैं एन कोई नेबरहुड है एक्स का, नेबरहुड एन, देयर एग्जिस्ट टी ओपन नेबरहुड एन ऑफ एक्स एंड एम ऑफ वाई। एक्स का एक नेबरहुड मान लेते हैं एन और वाई का एक नेबरहुड मान लेते हैं एम। अगर ऐसे दो नेबरहुड टी ओपन नेबरहुड एग्जिस्ट करते हैं सच दैट द बोथ आर डिसजॉइंट, देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। अगर ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं स्पेस को T2 स्पेस और हाउस्ड ऑफ स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट हम लें 1, 2 और इसके लिए कोई टॉपोलॉजी देख लें कंटेनिंग एम्प्टी सेट 1, 2 एंड द सेट इटसेल्फ। तो इस टॉपोलॉजी में 1 और 2, ये जो सिंगलटन सेट है, ये 1 को कंटेन करने वाला सेट जो कि 1 का नेबरहुड भी होगा और 2 को कंटेन करने वाला सेट जो कि 2 का नेबरहुड होगा, वो दोनों डिसजॉइंट नेबरहुड हैं 1 और 2 के। तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट पेयर 1, 2 बिलोंग्स टू द सेट हमें मिल रहा है जो कि टी ओपन, जिसके लिए टी ओपन नेबरहुड 1 और 2, 1 के लिए 1 सेट 1 और 2 के लिए ये सिंगलटन सेट 2, ये दो नेबरहुड हमें मिल रहे हैं जिनका इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो वो आएगा एम्प्टी। सो दे देयर एग्जिस्ट टी ओपन नेबरहुड फॉर बोथ द एलिमेंट्स विच आर डिसजॉइंट। तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको बोलते हैं T2 स्पेस और हाउस्ड ऑफ स्पेस। यहाँ पे दो डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट इज जो डिस्क्रीट स्पेस है, ये थ्योरम्स हैं एक्चुअली, इनको आप एज इट इज याद रख सकते हैं। डिस्क्रीट स्पेस इज अ T2 स्पेस एंड इनडिस्क्रीट स्पेस इज नॉट अ T2 स्पेस। तो ये हमें यहां पे प्रूव करना है। तो इनको देखते हैं। जो हमारा स्पेस होगा डिस्क्रीट स्पेस, ये होता है, ये कंटेन करता है अपने सभी एलिमेंट्स के, जितने भी सबसेट्स होंगे उन सभी को कंटेन करता है। मतलब अगर एक्स डी हम डिस्क्रीट स्पेस ले लें तो एक्स के जितने एलिमेंट होंगे उनके जितने भी सबसेट्स, एक्स के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उन सबको कंटेन करता है ये टॉपोलॉजिकल स्पेस जो है। तो इसमें ऑब्वियसली जितने भी एलिमेंट हैं, अगर एक्स के अंदर हम एक एलिमेंट ले लें एक्स, तो इसका जो सिंगलटन सेट होगा ये डेफिनेटली टॉपोलॉजी में बिलोंग करेगा। सिमिलरली कोई दूसरा एलिमेंट ले लेंगे तो उसका भी सिंगलटन सेट टॉपोलॉजी में बिलोंग करेगा। एंड दे बोथ आर ओपन नेबरहुड्स फॉर देयर एलिमेंट्स, अपने जो एलिमेंट ये कंटेन करते हैं उनके लिए ओपन नेबरहुड भी होंगे एंड दे बोथ आर डिसजॉइंट। तो ये T2 की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
सो द डिस्क्रीट स्पेस इज अ टी टू स्पेस. लेकिन अगर हम बात करें इनडिस्क्रीट स्पेस की तो इसमें क्या होता है, फाई एंड द सेट, सिर्फ ये होता है इस टॉपोलॉजी में. तो यहां पे अगर नाइबरहुड होगा तो एक्स ही हो सकता है विच इज अ कॉमन नाइबरहुड. तो यहां टी टू स्पेस जो होगा ये बनेगा नहीं, इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो इनडिस्क्रीट स्पेस इज नॉट अ टी टू स्पेस. अभी इससे रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं. सो द थ्योरम इज बीइंग अ टी टू स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल इनवेरियंट प्रॉपर्टी. बीइंग अ टी टू स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल इनवेरियंट प्रॉपर्टी. तो ये हमें यहां पे शो करना है. मतलब क्या है इसका, कि अगर हम इसकी होमोमॉर्फिक इमेज लें तो वो इमेज जो होगी वो भी हमारी टी टू स्पेस होगी, जो होमोमॉर्फिक इमेज बनेगी अगर हम एक्स डी, अगर ये सॉरी एक्स टी, अगर हम ये टोपोलॉजिकल स्पेस ले लें तो जो एक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी जो इमेज बनेगी उनसे जो सेट बनेगा वाई, और जो टोपोलॉजी हम यहां पे लेंगे टी डैश, ये जो होमोमॉर्फिज्म बनेगा यहां पे, तो ये भी टी टू स्पेस को शो करेगा, ये टोपोलॉजी भी टी टू स्पेस होगी. तो ये हमें शो करना है इसमें. एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ टी टू स्पेस इज टी टू स्पेस, ये होती है टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट प्रॉपर्टी. ओके, सो लेट वाई टी डैश बी अ होमोमॉर्फिक स्पेस टू अ हाउस्ड ऑफ स्पेस एक्स टी. लेट वाई टी डैश बी अ होमोमॉर्फिक स्पेस टू अ हाउस्ड ऑफ स्पेस एक्स टी, वेयर एक्स टी हमारा एक हाउस्ड ऑफ स्पेस है और इसके लिए हमने होमोमॉर्फिक स्पेस मान लिया है. एंड एफ सच दैट एक्स टू वाई बी द होमोमॉर्फिज्म. ये हम मान लेते हैं इसमें होमोमॉर्फिज्म. एंड इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म देन ऑब्वियसली इट इज वन वन एंड ऑन टू, सो एफ इज बाइजेक्शन. एंड इफ इट इज वन वन ऑन टू तो एक्स के सभी एलिमेंट की जो इमेज होंगी वो सेट हमारा बन जाएगा वाई. मतलब एफ एक्स अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा वाई. और अगर हम एक्स में कोई नेबरहुड मान लें एन विच इज टी ओपन, देन ऑब्वियसली एन इज अ सबसेट ऑफ एक्स. सो इसके भी एलिमेंट जो होंगे एन के उनकी जो इमेज बनेगी वो टी डैश में ओपन होगी. एफ एन बिलोंग्स टू टी डैश, तो एफ एन जो होगा वो टी डैश के लिए ओपन होगा. सो अगर हम यहां पे एक्स में दो एलिमेंट मान लें, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स बी डिस्टिंक्ट, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, देन देयर एग्जिस्ट इनकी जो इमेज होगी, एक्स की जो इमेज होगी एफ एक्स और वाई की जो इमेज होगी एफ वाई, वो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे. एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई सिंस द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू. तो हमने इसमें दो एलिमेंट लिए हैं एक्स और वाई, तो एक्स के लिए अगर हम कैपिटल एक्स में एक एलिमेंट ले रहे हैं एक्स, तो इसके लिए एक नेबरहुड एन एग्जिस्ट करेगा टी में. देन देयर एग्जिस्ट क्यों करेगा, क्योंकि जो एक्स टी है वो हमारा हाउस्ड ऑफ स्पेस है. देन देयर एग्जिस्ट अ टी ओपन नेबरहुड एन फॉर एक्स एंड एम फॉर वाई. टी में एक्स और वाई के लिए नेबरहुड एग्जिस्ट करेंगे विच आर डिसजॉइंट सच दैट एन इंटरसेक्शन एम इज फाई. और अभी हमने पढ़ाया कि इफ एन इज अ टी ओपन नेबरहुड ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एक्स देन एफ एन इज टी डैश ओपन. सो इफ एन इज टी ओपन देन देयर एग्जिस्ट एफ एन एंड एफ एम विच बिलोंग्स टू टी डैश. ये दो एलिमेंट होंगे हमारे पास में टी डैश के, मतलब ये
नैब रूट बन जाएंगे किन एलिमेंट्स के, जो एन है हमारा एक्स का नैब रूट है, तो एक्स की जो इमेज होगी एफ एक्स उसका नैब रूट बन जाएगा एफ एन। सिमिलरली जो वाई की इमेज होगी एफ वाई उसका नैब रूट बन जाएगा एफ एम। तो हमें रिप्रेजेंट ये करना है कि एफ एक्स और एफ वाई ये हमारे दो एलिमेंट हो गए हैं सेट वाई के, और दोनों डिस्टिंक्ट हैं और उनके नेबरहुड्स भी मिल रहे हैं टी डैश में। बस हमें इसको टी टू स्पेस दिखाने के लिए क्या शो करना है, डिसजॉइंट एफ एन इंटरसेक्शन एफ एम इक्वल्स टू फाई, ये हमें यहाँ पे शो करना है। इसको शो करने से हम बता देंगे कि जो स्पेस हमारा बन रहा है ये भी हमारा टी टू स्पेस है। तो ये शो करने के लिए हम मान लेते हैं कि एफ एन इंटरसेक्शन एफ एम इज नॉट फाई, लेट एफ एन इंटरसेक्शन एफ एम इज नॉट फाई। अगर ये एम्प्टी नहीं होगा तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। सो लेट पी बिलोंग्स टू एफ एन इंटरसेक्शन एफ एम, दिस इंप्लाइज पी बिलोंग्स टू एफ एन एंड पी बिलोंग्स टू एफ एम। सो इफ पी बिलोंग्स टू एफ एन, अगर ये एफ एन में बिलोंग कर रहा है तो इसकी प्री इमेज एन में बिलोंग करेगी। सो इसकी प्री इमेज जो होगी, देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट क्यू बिलोंग्स टू एन, अगर पी हमारा एफ एन में बिलोंग कर रहा है तो इसकी कोई प्री इमेज मान लेते हैं क्यू विच बिलोंग्स टू एन। सिमिलरली इफ पी बिलोंग्स टू एफ एम तो इसकी कोई प्री इमेज मान लेते हैं जो कि एम में होगी, एंड से एस बिलोंग्स टू एम सच दैट इफ क्यू इज द प्री इमेज ऑफ पी देन ऑब्वियसली क्यू की जो इमेज होगी वो पी होगी, एफ क्यू इक्वल्स टू पी। एंड सिमिलरली इफ एस इज अ प्री इमेज ऑफ पी देन एस की इमेज पी होगी, एफ एस इक्वल्स टू पी। तो पी की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एफ क्यू इक्वल्स टू पी एंड एफ एस इक्वल्स टू पी, विच मीन्स एफ क्यू इक्वल्स टू एफ एस। एंड सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, इट इज वन वन मैपिंग, सिंस एफ इज वन वन देन दिस इंप्लाइज क्यू इक्वल्स टू एस। क्यू एंड एस दे बोथ आर इक्वल, एंड इफ क्यू एंड एस आर इक्वल, सिंस क्यू बिलोंग्स टू एन एंड एस बिलोंग्स टू एम, देन दिस इंप्लाइज क्यू बिलोंग्स टू एन एंड एस बिलोंग्स टू एम इंप्लाइज क्यू बिलोंग्स टू एम। सिंस क्यू एंड एस दे बोथ आर इक्वल, तो हम यहां पे क्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एस की जगह पे। सो क्यू बिलोंग्स टू एन एंड क्यू बिलोंग्स टू एम, विच इंप्लाइज क्यू बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन, एंड दिस इंप्लाइज दैट एन इंटरसेक्शन एम इज नॉट वाई। लेकिन n और m जो है वो t ओपन नेबरहुड्स है x के एलिमेंट्स के, और उनका डिसजॉइंट होना जरूरी है क्योंकि x है हमारा टी टू स्पेस विच इज अ कंट्रडिक्शन। हम इसको एम्प्टी मान के चल रहे थे, नॉन एम्प्टी मान के चल रहे थे, बट ये हमारा आएगा एम्प्टी, एफ एन इंटरसेक्शन एफ एम इक्वल्स टू फाई। दिस इंप्लाइज एफ एन इंटरसेक्शन एफ एम इक्वल्स टू फाइव। तो अब हम यहां पर इसको एज अ डेफिनेशन लिख सकते हैं, दैट एफ एक्स एंड एफ वाई आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ वाई विच आर डिस्टिंक्ट, एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ वाई एंड फॉर देम देयर एग्जिस्ट नेबरहुड एफ एन एंड एफ एम बिलोंग्स टू टी डैश such that their intersection is phi, so the space is a T2 space or a Hausdorff space. तो ये हमें इसमें शो करना था that the property is invariant. So guys, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में टॉपोलॉजिकल स्पेस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट थियोरम्स के बारे में बात करेंगे।
गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।